हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय किचन। और आज हम बना रहे हैं फ्रूट ट्रैफल। तो इसके लिए जो जो चीज़ें, जो फ्रूट्स लिए हैं मैंने, वो बताती हूँ। केला लिया है, कीवी ली है, स्ट्रॉबेरी ली है, ये चॉकलेट चिप्स हैं, ये अखरोट लिए हैं, ये है मेरे पास डबल क्रीम, और ये है बिस्किट। ये बिल्कुल मैरी बिस्किट का टेस्ट देंगे, सेम वही चीज़ ही है, मैरी बिस्किट ही है। आप इसकी जगह चॉकलेट बिस्किट भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस बर्तन में कुछ स्ट्रॉबेरीज काट लिए हैं। इस पे डालूंगी मैं 1 टेबल स्पून चीनी और इसे हल्की आंच पे रख के पकाऊंगी, तब तक जब तक इस अच्छी तरह स्ट्रॉबेरी नरम हो जाए और एक जैम सा बन जाए इसका। जब तक ये हमारा जैम बनेगा, तब तक हम अपने फ्रूट्स काट लेंगे। मैंने ये बर्तन फ्रिज में रख दिया था, ये अच्छा सा ठंडा हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी ये डबल क्रीम। इसमें डालूंगी 3 टीस्पून चीनी। अब हम इसकी अच्छे से मिक्स करके इसकी क्रीम बनाएंगे। क्रीम हमारा तैयार हो गया है। अब हम इस क्रीम में डालेंगे ये 1 कप बिस्किट, इन्हें मैंने यूं पीसेस कर लिए हैं, और ये है केले के स्लाइसेस, ये डाल देंगे। स्ट्रॉबेरीज डालेंगे। स्ट्रॉबेरी जैम भी रेडी है, उसे मैंने फ्रिज में रखा है ठंडा होने के लिए। देखिए, मैंने एक बर्तन लिया है, आप कोई सा भी बर्तन ले लें, केक वाला बर्तन ले लें या कोई और आपके पास हो। इसमें हम लगाएंगे फूड कवर। एक इस तरफ से भी लगाएंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लेयर यहाँ नीचे लगाएंगे स्ट्रॉबेरी की। बीच में इसके कीवी लगाएंगे। देखिए, ये सारे इस तरह से लगा दिए हैं। यहाँ बीच में हम डालेंगे चॉकलेट्स। यहाँ हम लगाएंगे अपने ड्राई फ्रूट्स। अब इस पे हम अपनी क्रीम डाल देंगे। यहाँ थोड़ा सा बीच में हम जगह बनाएंगे। ये जो हमने स्ट्रॉबेरी जैम बनाई थी, ये हम इसमें डाल देंगे। अब हम बाकी का क्रीम भी इस पे डाल देंगे सारा। ये जो हमारा बाकी फ्रूट रह गया है, ये भी हम इस पे लगा देंगे। अब ये जो हमारा फ्रूट फूड रैप है,
ये हम इसमें यूं लगा देंगे। अब इसे एक घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देते हैं। तो मिलेंगे एक घंटे में। एक घंटा हो गया था हमारे डेजर्ट को, मैंने निकाल दिया है। अब हम इसे खोल लेंगे। मेरे पास ये केक वाली प्लेट है, इसे मैं इसके ऊपर रखूंगी और इसे पलट देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसे बहुत एहतियात से हम उठाएंगे। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत, कितना कलरफुल हमारा डेजर्ट बनके तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताएं कि कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।